निवेश पॉजिटिव सकारात्मक और नई शुरुआत करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। भावनात्मक तौर पर संतुष्टि मिलेगी, जरूरत के समय भी मदद मिलेगी, अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और आपकी बात सुनी भी जाएगी। किसी भी बड़े काम में पहल आपको ही करनी होगी। रिश्तों के उलझे सवालों के जवाब भी आज आपको मिल सकते हैं। नजदीकी लोगों से संबंध और गहरे हो जाएंगे। आसपास के लोगों से सहयोग बना कर रखेंगे तो सफलता मिलेगी। घरेलू कामों में समय देना होगा। नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। नेगेटिव आज पार्टनरशिप के मामलों पर ध्यान देना होगा। सावधान रहे, कुछ मामलों में खर्चा, उलझन और परेशानी की स्थिति भी रहेगी। भाइयों के भरोसे कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। क्या करें, गणेश जी को पिस्ता चढ़ाएं? लव आज भावनात्मक ऊर्जा इन थोड़ी कम है। पार्टनर आपकी अनदेखी भी कर सकता है, इस बात को दिल से ना लगाएं। करियर कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। तैयार रहे, स्टूडेंट्स के लिए दिन भी अच्छा है। हेल्थ, थकान, आलस्य और नींद की कमी से भी आप परेशान रहेंगे। वृश्चिक, कामकाज में समस्याएं धीरे धीरे ही सुलझेंगी। आज लिए जाने वाले फैसले या बनाई गई कुछ योजनाओं पर कल आपको फिर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। इसमें आपको ही फायदा हो सकता है। धैर्य से किया गया विचार बहुत फायदेमंद रहेगा। हड़बड़ी नहीं करेंगे और हर काम सोच समझ कर करेंगे तो सफल हो जाएंगे। कोर्टक चहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से फायदा होगा। परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। प्लानिंग से काम होंगे और सक्सेस मिलेगी। नेगेटिव, किसी ना किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा। कामकाज में भी मन कम ही लगेगा। नियम और कानूनों की अनदेखी भी करेंगे। कोशिशों के हिसाब से सफलता नहीं मिलेगी, इससे आप उदास हो सकते हैं। आज कारोबार में खर्चा ज्यादा हो सकता है। नौकरों से परेशानी रहेगी। क्या करें, नारियल पानी पिए? दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी आपको और आपकी बातों को महत्व नहीं देगा। करियर, ऑफिस या फील्ड में अनचाही स्थितियां बन सकती हैं। कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आप खुद अपने सिर ले सकते हैं। अचानक आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ, आम तौर पर सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा थकान के कारण बदन दर्द हो सकता है। नींद की कमी हो सकती है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। मिथुन पॉजिटिव, आपको ऐसे कई मौके मिल सकते हैं जिसमें आप अपनी सक्रियता लोगों के सामने रख सकेंगे। आप रचनात्मक और सकारात्मक ही रहेंगे। संतान पर और अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान दें। आज आप लोगों की मदद करेंगे। आपको फल और नेतृत्व भी करना होगा। आप कुछ खास फैसले ले सकते हैं। मेहनत के दम पर अच्छी खासी सफलता मिलने के योग है। भौतिक सुख भी पूरा मिलेगा। संतान से संबंधों में सुधार होगा। बिजनेस में फायदा होगा। ऑफिस, शॉप या फील्ड में परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव, गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से परेशान रहेंगे। परिवार की खातिर कुछ इच्छाएं मारनी पड़ सकती है। आप संकोची भी रहेंगे। कोई नया काम शुरू ना करें तो अच्छा है। मन में उदासी रहेगी। क्या करें, बिल्व पत्र के पेड़ में जल चढ़ाएं? लव पार्टनर और खुद आप भी उन समस्याओं में उलझ जाएंगे जिनका आपकी आपसी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वैवाहिक जीवन में तनाव भी हो सकता है। करियर, वर्क प्लेस पर समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन जल्दी ही इनसे छुटकारा मिलेगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी बहुत उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात होगी। उम्मीद से कम सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा। किसी ना किसी बात का टेंशन रहेगा। हेल्थ, कमर और पेट दर्द की शिकायत रहेगी। कर पॉजिटिव, खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। आप अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सकेंगे। भाइयों और दोस्तों से फायदा हो सकता है। परिवार में कोई अच्छा प्रसंग आएगा। निवेश से फायदा होगा। बिजनेस से जुड़ी यात्रा होगी जिससे आप सफल होंगे। सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे होंगे। आपको लव प्रपोजल मिल सकते हैं।
रुके हुए पैसों के लिए कोई नया प्लान दिमाग में आ सकता है जिससे आपका पैसा वापस मिल जाएगा। व्यस्तता भी रहेगी लेकिन उससे आपको फायदा होगा। नेगेटिव मन में बेचैनी हो सकती है, आप किसी तरह का जोखिम भी ले सकते हैं। आज के विचार या सुझाव से आपका भला कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। घर परिवार की स्थिति कुछ कठिन भी हो सकती है। पारिवारिक मामलों में आप उलझ सकते हैं। आसपास के लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं। आपको भावनात्मक संतुलन रखने में परेशानी आएगी। क्या करे, किसी कन्या को मेहंदी दान दे, लव प्रपोजल मिल सकता है। इस मामले को गंभीरता से ले। करियर निवेश से फायदा होगा। अटकते कामों में लोगों से मदद मिलेगी। यात्रा कारगर रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन है। समय पर दोस्तों की मदद मिलेगी। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें। मौसमी बीमारियां रहेंगी, पुराने रोग भी रहेंगे। सिंह पॉजिटिव, परिवार के मामलों में जिम्मेदारियां निभाते जाएंगे। खरीदारी भी हो सकती है। कोई पुरानी देनदारी निपट जाएगी। रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। जोखिम भरे निवेश से बच जाएंगे तो फायदा होगा। बिजनेस में धन लाभ की पूरी संभावना है। मीठा बोलकर काम पूरे करवा लेंगे। आपकी कार्य क्षमता आने वाले दिनों में भी आपको फायदा दिलाएगी। किस्मत का साथ मिलेगा और धन लाभ भी होगा। नेगेटिव फालतू बातें दिल दिमाग में चलती रहेगी। किसी ना किसी बात की टेंशन रहेगी। अपनी कोई खास बात आप अच्छी तरह कह नहीं सकेंगे, इसके कारण गलत फहमी भी हो सकती है। सावधान रहे। दूसरों की सलाह पर भरोसा ना करें। अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें। कोई आपको भरोसे में लेकर धोखा भी दे सकता है। कामकाज की गति धीमी रहेगी। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। क्या करें, किसी गरीब कन्या को फ्रूट जूस पिलाएं। लव आपकी तरफ से पार्टनर खुश रहेगा लेकिन हो सकता पार्टनर आपको जाने अनजाने में कहीं हर्ट भी कर दे। करियर जोखिम भरे निवेश से दूर रहे। बिजनेस में धन लाभ होगा। कामकाज की गति धीमी हो सकती है। नए एग्रीमेंट ना करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ सेहत सामान्य रहेगी। उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कन्या पॉजिटिव, पैसों से जुड़े कई मामले आपके सामने आ सकते हैं। दिन भी अच्छा रहेगा। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ चली आ रही अनबन सुलझ जाएगी। सोच समझ कर खरीदारी करें। करियर में सही फैसले कर लेंगे। राजनीतिक मामलों में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस खिले से और भी बढ़ सकता है। बिजनेस में कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा। निवेश भी फायदेमंद रहेगा। प्रमोशन के संकेत या ऐसी कोई खबर मिल सकती है। दलाली के कामों में भी फायदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नेगेटिव, कोई बिल बकाया रह सकता है। पैसा भी कहीं अटक सकता है। कई तरह के सवाल आपके सामने रहेंगे। आप परेशान भी होंगे। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी रहेगा। मन में डर और चिंताएं रहेंगी। सावधान रहे। क्या करें, हनुमान मंदिर में माचिस दान दे, लव पार्टनर की बातें अच्छी लगेंगी। वैवाहिक जीवन खुले से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। करियर बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। निवेश से भी फायदा होगा। पदोन्नति की खबर मिलेगी। कुछ मामलों में स्टूडेंट्स निराश हो सकते हैं। हेल्थ, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी। तुला पॉजिटिव, उत्साह रहेगा। नई योजनाएं और विचार मन में रहेंगे। धैर्य रखें। पैसे और परिवार के कुछ मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नई बातें भी पता चलेंगी। संतान की ओर ध्यान दें। यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई वस्तुएं मिल सकती है। नए लोगों से फायदा होगा। संतान से सुख मिल सकता है। बिजनेस में गति आएगी। अधिकारियों और निचले वर्ग के लोगों से भी समय पर मदद मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। नेगेटिव ग्रहों की अशुद्ध स्थिति के कारण ज्यादातर मामलों में देरी हो सकती है। कुछ चीजें तय समय से देरी से शुरू होंगी। उनके कारण आपके दूसरे कामों पर असर पड़ेगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए सही समय नहीं है। कई तरह के मामले उलझे हुए भी रहेंगे।
आज आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपनी मर्जी के काम करने की कोशिश की तो साथ के किसी व्यक्ति से थोड़े समय के लिए संबंध भी खराब हो सकते हैं। क्या करे किसी ब्राह्मण को शहद या पपीता दान दे। लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। प्रेमी और जीवन साथी के साथ गंभीर मामलों पर बात ना करे। करियर बिजनेस में तेजी आ सकती है। जरूरी मदद मिलने के भी योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ही रहेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों को कम मेहनत में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हेल्थ पुराने रोगों से परेशान रहेंगे। पेट खराब हो सकता है। वृश्चिक पॉजिटिव धैर्य से काम करेंगे और हर स्थिति पर नए सिरे से विचार करेंगे तो सफलता मिल सकती है। अच्छा फायदा भी होने के योग है। कोई ऐसा पुराना मामला सामने आ सकता है जो पुराना तो है लेकिन अभी तक सुलझ नहीं सका है। उसमें आपको ही सफलता मिल सकती है। अपनी बात साफ तरीके से रखेंगे और दूसरे पक्ष की बात ठीक से समझने की कोशिश भी करेंगे। रहस्यपूर्ण मामलों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार और ऑफिस में आपकी हैसियत को लेकर अनिश्चितताओं का माहौल भी खत्म हो सकता है। आप काफी राहत महसूस कर सकते हैं। अचानक यात्रा और फायदा होगा। घर परिवार के मामलों को भी समय देना होगा। महत्वपूर्ण कामों को ध्यान में रखें। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विवाह योग्य लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। नेगेटिव मनोबल कमजोर हो सकता है। मन में असुरक्षा की भावना भी आ सकती है। कुछ मामलों में परिस्थितियां थोड़ी उलझ सकती हैं। आप आज ऐसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। किसी झंझट में भी फंस सकते हैं। बुजुर्गों और अधिकारियों के साथ गलतफहमी होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहे। ऑफिस का भी कोई तनाव अपने साथ घर ला सकते हैं। कामकाज को लेकर लापरवाही से नुकसान होगा। क्या करें भोजन में काले नमक का उपयोग करें। लव प्रेम संबंधों में कोई भावनात्मक फ्लू परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। विवाह योग्य लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर बिजनेस अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। ऑफिस की समस्या पर बात करते समय अपना ही कोई राज खोल सकते हैं। सावधान रहे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। हेल्थ ज्यादा मिर्च मसालों से भी नुकसान हो सकता है। खान पान में सावधानी रखें। धनु पॉजिटिव अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं पर फिर से विचार करें। सपने साकार करने के लिहाज से अच्छा दिन है। ग्रहों की स्थिति आपको तत्काल फैसला करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सुविचारित फैसले आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। विश्वासपात्र दोस्तों की मदद या सलाह आपके बहुत काम आएगी। दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेंगे। सोच में सकारात्मकता रहेगी। बिजनेस में फायदा होगा। आज किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। नेगेटिव सावधानी से सारे काम पूरे करने चाहिए। किसी फैसले या किसी स्थिति में तब तक शामिल ना हो जब तक आपने उसे ठीक से समझ ना लिया हो। जब तक आप अपने सारे विकल्पों पर विचार ना कर ले तब तक कोई बड़ा निर्णय ना ले। थोड़ा मानसिक दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें चीनी के टूटे फूटे बर्तन घर या वर्क प्लेस से निकाल दे। लवलवर के साथ गंभीर मामलों पर बातचीत हो सकती है। संबंधों में गहराई होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। करियर नौकरी के लिए किसी नए संगठन और नए चेहरों से ही बात करना बेहतर रहेगा। बिजनेस में फायदा हो सकता है। निवेश भी फायदेमंद रहेगा। धन लाभ भी होगा। हेल्थ खुद को अस्वस्थ महसूस करेंगे। आलस्य और थकान रहेगी। मकर पॉजिटिव शांति से विचार करेंगे और परेशानी वाली स्थिति से निपट लेंगे। अपना उत्साह कम नहीं होने देंगे। अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करते रहेंगे। स्थितियां आपके नियंत्रण में हो जाएंगी। किसी काम में अच्छी सफलता मिल सकती है। विचार विमर्श में काफी समय भी देना होगा। भाई बहन और साथ काम करने वाले कुछ लोग आपकी मदद करेंगे।
धन और परिवार से संबंधित कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा लाभदायक होगी। नेगेटिव दिल दिमाग में किसी ना किसी तरह की टेंशन हो सकती है। घबराहट आपको परेशान करेगी। फालतू विचारों में समय खराब हो सकता है। जीवन किस दिशा में जा रहा है, इस तरह के सवाल मन में आ सकते हैं। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। नौकरी में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी मिलेंगी जो आपको बोझ लगेंगी। क्या करें, किसी आश्रम या मंदिर में अनाज दान दें। लवमूड अच्छा रहेगा। पार्टनर से प्रेम रहेगा। सौंदर्य की वस्तुओं पर खर्चा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। दिन आपके फेवर में रहेगा। करियर कारोबार के लिए यात्रा से फायदा होगा। बातचीत करते समय सावधान रहे। स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। हेल्थ मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा तो सेहत भी सामान्य रहेगी। कुंभ पॉजिटिव ऑफिस में हर काम बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी उनसे कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में फायदा होगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं भी बन रही है। साथ वाले लोगों या दोस्तों से कोई गिफ्ट मिल सकता है। घूमने फिरने और मनोरंजन में समय बीतेगा। दूसरों की मदद करने से पीछे ना हटें। जरूरत हो तो अपने हितों का त्याग करने में भी संकोच ना करें। नेगेटिव पैसों और परिवार की कुछ बातों को गुप्त रखें। परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेशन में परेशानी महसूस होगी। जो भी योजना या इरादा बनता है उस पर कदम उठाने के पहले एक बार फिर से विचार करें। जरूरत पड़ने पर किसी तरह का बदलाव करने में संकोच ना करें। वाहनों और मशीनों से सावधान रहना होगा। फालतू खर्चा भी हो सकता है। अपने शौक पर नियंत्रण रखें। आपके व्यवहार में तीखापन रहेगा। साथी आपसे नाराज हो सकता है लेकिन आप सावधान रहे। क्या करें, थोड़ा सा गुड़ चाकू से काट कर अग्नि में डालें। लवलव पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है। आप दूसरों की जरूरतें समझेंगे और निजी स्तर पर उनकी मदद करने की कोशिश भी करेंगे। करियर बिजनेस के लिए दिन खास नहीं है लेकिन सावधान रहना चाहिए। किसी काम के लिए मेहनत करते रहे उसका नतीजा जल्दी ही आपके फेवर में होगा। स्टूडेंट्स को सफलता के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हेल्थ आलस्य और थकान भी महसूस हो सकती है। सेहत का पूरा ध्यान रखें। मीन पॉजिटिव सोच विचार कर ही कोई बात कहे। अपने राज जितने गोपनीय रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरे क्या कहते हैं इसे गौर से सुने। खुद पर भरोसा रखें। अपनी ही किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे। रोजमर्रा के काम भी आसानी से पूरे होते जाएंगे। पार्टनर से सहयोग मिल सकता है और फायदा भी होगा। बुद्धि और चतुराई से आप दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे। कपड़े का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। अच्छा फायदा भी होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी। नेगेटिव लोगों का ध्यान आप पर रहेगा इसलिए हर काम में सावधानी रखें। किसी से ज्यादा सलाह मशविरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। पैसों को लेकर किसी के साथ अनबन या समस्या हो सकती है। दोस्तों और लव पार्टनर से अनबन हो सकती है। सावधान रहे। ऑफिस में चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। बेचैनी भी महसूस होगी। जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी हो सकते हैं। सड़क पर संभल कर चले। आपकी गलती नहीं किसी और की गलती से आपको चोट लग सकती है। बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। इस राशि के कुछ अविवाहित लोग प्यार में निराश भी हो सकते हैं। क्या करें, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बेडरूम में लगाएं। लवपत्नी की कोई भी बात आपको गुस्सा दिला सकती है। संभल कर रहे लेकिन आपके संबंध भी जल्दी अच्छे हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी। करियर बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। सफलता मिल सकती है। हेल्थ मानसिक तनाव रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है।